गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो आज हम पैटर्न्स, ओके पैटर्न्स चैप्टर नंबर 10 हमने टुडे किया था, ओके लास्ट वीडियो में जो मैंने होमवर्क में दिया था आपको, इस तरह से पैटर्न का सीक्वेंस को आगे करना है, एक्सटेंड द सीक्वेंस, ओके ये आपको मैंने पहले करवाया था, ओके नेक्स्ट ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके नेक्स्ट देखो ये भी हमारा कंप्लीट है, ओके अगर आपने नहीं दे अभी तक किया है तो इस आज की लेक्चर वीडियो अटेंड करें और कर लीजिए, ओके फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आज हम इस यही होमवर्क यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके द नाउ स्टडी द पैटर्न्स एंड फिल इन द मिसिंग नंबर, क्या बोल रहे कि स्टडी करना है इसको, स्टडी पैटर्न को स्टडी करना है और नंबर को आगे फिल करना है, ओके तो यहाँ पर देखो 1 है, ओके फिर 3 है, फिर 5 ऐसे, नेक्स्ट है 7, यहाँ पर देखो बच्चों एक छोड़ के एक लिखा है, 1 है तो उसके बाद नेक्स्ट 2 आता है बट 2 नहीं लिखा है, 3 लिखा है, नेक्स्ट 4 आता है पर 4 नहीं लिखा है तो 5 लिखा है, 6 आता है तो 6 नहीं लिखा है बट 7, ओके एक छोड़ के एक करना है मतलब में, ओके 7 तो 8 छोड़ देना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 9, ओके फिर 9 के मैं नेक्स्ट 10 को छोड़ देना है, यहाँ पर लिखेंगे 11, ओके ओके 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 30, ओके फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर 22 है, ओके 21, 20 तो यहाँ पर 1, 9, 90, ओके फिर 1, 8, 80, ओके फिर 1, 7 और 1, 6 मतलब कि उल्टी गिनती है ना, 22, 21, 20, 1, 9, 90, 1, 8, 80, 1, 7, 17 और 1, 6, 16, ओके चलो फिर से देखो यहाँ पर बच्चों ये मिसिंग नंबर है ना, तो 1 एक छोड़ के एक मतलब कि ऑड नंबर है ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 30, ओके इसी तरह यहाँ पर भी 22 है, उसके बाद 21 है, 20, 20, 1, 9, 19, ओके 1, 8, 18, 1, 7, 17, 1, 6, 16, ओके मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पैटर्न की गई है, ओके इस तरह से देखो यहाँ पर 10, 20, 30 मतलब कि 10 प्लस करना है, ओके 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 13, 30 प्लस 10 क्या होगा यहाँ पर 40, ओके आपको 1 से 100 तक आता है यहाँ पर 40, ओके फिर 40 प्लस 10 10 प्लस करनी है, ओके यहाँ पर क्या प्लस करना है 10, आपके माइंड से सेट होना चाहिए कि यहाँ पर किस ऑर्डर में मिसिंग नंबर लिखने हैं, ओके तो 10 प्लस 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 क्या होगा 60, हम ज़्यादातर नंबर बोलते हैं 1 से 100 तो ऐसे भी बोलते हैं 10, 20, 13, 14, 15 एंड 16, ओके नाउ नेक्स्ट देखिए ये पैटर्न है 1, 1, 11 है, ओके 1, 2, 2, 22, 3, 3, 33 अभी 3 के बाद क्या होगा 4, तो 4, 4 क्या होगा 4, 4, 44, ओके 4, 4, 44 के बाद क्या होगा 5, 5, 55 है ना, फिर 6, 6 लिखा है, अभी नेक्स्ट क्या होगा 7, 7, 7, 7, 77, ओके समझ में आया बच्चों ये पैटर्न, यस चलो यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर बलून्स में 5 लिखे हैं ना 5, फिर यहाँ पर नेक्स्ट है 10, ओके फिर ये मिसिंग है यहाँ पर 20 है, ओके फिर 25 है, फिर नेक्स्ट मिसिंग है, तो इसमें कौन सा नंबर होगा बच्चों सोचो, आप 5 प्लस 5 करो, 5 प्लस 5 तो 10 हो गए, होगा ना 10, तो 10 में भी 5 प्लस करो तो 15, ओके 5, 5 लेना है, ओके 15, फिर 5 प्लस 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 13, ओके आप इसको
दूसरी और सेकंड ऐसे भी बोल सकते कि फाइव की टेबल, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, है ना, फाइव टू ज़ा टेन, फिर फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, आप फाइव की भी टेबल बोल सकते हो। ओके, यहाँ पर इलेवन की टेबल आ गई, इलेवन वन ज़ा इलेवन, इलेवन टू ज़ा ट्वेंटी टू, इलेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी थ्री, ऐसे टेबल। ओके, फिर यहाँ टेन की टेबल बोल सकते हो, टेन वन ज़ा टेन, टेन टू ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री ज़ा थर्टीन। ओके, जिस तरह से आपको अच्छा पसंद आए उस तरह से आप बोल सकते हो मिसिंग लेटर। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर टू है, ओके टू, और यहाँ फाइव है, ओके फिर एट है, फिर एट के बाद नेक्स्ट है इलेवन। ओके, तो कितने छोड़े देखो, यहाँ पर टू है, थ्री फोर फाइव, तो टू में सर्कल, फाइव में सर्कल, देखो यहाँ पर तो कितने नंबर छोड़े हैं, दो नंबर, तो हम भी दो नंबर छोड़ के यहाँ पर सिक्स और सेवन को छोड़ के एट है ना, तो एट लिखा है, फिर नाइन और टेन को छोड़ दिया है, क्या लिखा है यहाँ पर इलेवन, है ना, तो हम और ट्वेल्व और थर्टी को छोड़ के यहाँ लिखेंगे यहाँ पर फोर्टीन। ओके, नेक्स्ट हम फिफ्टी और सिक्सटी को छोड़ देंगे और सेवेंटी, तो ये लिखा है सेवेंटी। ओके, तो फिर एटी और नाइन्टी को छोड़ के क्या लिखेंगे, टू ज़ीरो ट्वेंटी। ओके, इस तरह से एक आप सोचोगे, प्लस आप इस तरह से भी कर सकते हैं, टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री कितने हुए, फाइव, फाइव प्लस थ्री, थ्री थ्री ऐड करनी है। ओके, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस थ्री इलेवन, इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन, फोर्टीन प्लस थ्री सेवेंटीन, सेवेंटीन प्लस थ्री ट्वेंटी। इस तरह से दोनों मेथड से आप ये लिख सकते हो। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न। अभी ये पैटर्न को क्या करना है, कंप्लीट करना है। आगे यहाँ पर वन ट्राइंगल है, या सेकंड में टू है, यहाँ पर थ्री है, तो अभी कितने होंगे ट्राइंगल, सोचो आप, वन टू थ्री फोर, कितने होंगे फोर, फोर के बाद नेक्स्ट क्या होगा, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, इस तरह से आगे पैटर्न होंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, तीन फ्लावर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर तीन है, यहाँ पर नेक्स्ट वन टू थ्री फोर है, यहाँ पर थ्री है, फोर है, फाइव है, तो यहाँ पर कितने होंगे, सिक्स, और यहाँ पर कितने होंगे, सेवन, तो यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, वन टू थ्री फोर फाइव एंड लास्ट में सिक्स। ओके, यहाँ पर सेवन ड्रॉ करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट है देखो, यहाँ पर टू सर्कल हैं, ओके, यहाँ पर वन टू थ्री फोर सर्कल हैं, यहाँ पर वन टू थ्री, थ्री पैर हैं बट सिक्स सर्कल, ओके, वहाँ यहाँ पर वन पैर, यहाँ पर टू पैर, यहाँ पर थ्री पैर, तो यहाँ पर कितनी पैर होगी सर्कल की, फोर पैर, ओके चूड़ी, ओके वन, ये थ्री पैर होगी, और यहाँ पर एक बढ़ा दूँ तो फोर हो जाएंगी। ओके, तो इस तरह से, और यहाँ पर फाइव पैर होंगी, पैर मतलब कि जोड़ी में, ओके वन टू थ्री फोर एंड फाइव, समझ में आए बच्चों। देखो यहाँ पर टू है, टू पैर, ओके वन टू, यहाँ पर टू पैर, ओके यहाँ पर वन पैर, यहाँ पर टू पैर, यहाँ पर वन टू थ्री पैर, ओके फिर यहाँ पर वन टू थ्री फोर, और यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, मतलब कि यहाँ पर टू सर्कल है, यहाँ पर फोर टू फोर, फिर सिक्स एट और टेन, मतलब कि इवन नंबर में है। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर थ्री वन है, वन, यहाँ पर वन टू थ्री है, ओके यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, ओके फाइव है, तो यहाँ पर ऑड नंबर होगी, और वन थ्री फाइव, तो अभी सेवन होंगी। ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। देखो यहाँ पर बच्चों,
नहीं समझ में आया तो ऐसे करना है, वन है, वन है बट टू नहीं है, टू को छोड़ दिया है, थ्री लिया है ओके, फिर फोर को छोड़ देना है, फाइव लिया है, सिक्स हमने छोड़ दिया है, सेवन ले लिए ओके, फिर एट को हम छोड़ देंगे और नाइन करेंगे यहाँ पर, कितने करेंगे, नाइन करेंगे ओके। तो इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, समझ में आया क्यों नाइन किया हमने ओके। इस तरह से आप कलर फिल कर सकते हो ओके। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फाइव स्टार हैं, कितने, वन टू थ्री फोर और फाइव स्टार हैं ओके। यहाँ पर फोर स्टार हैं, वन टू थ्री फोर स्टार, यहाँ पर थ्री हैं, अभी देख के ही पता चलता है आपको कितने स्टार होंगे यहाँ पर ओके। वेरी गुड, टू स्टार, कितने होंगे, टू, क्योंकि एक एक कम हो रहा है ना ओके, एक लेस हो रहा है, यहाँ पर फाइव है, फोर है, थ्री है, तो यहाँ पर टू और लास्ट में कितने होंगे, वन स्टार ओके। समझ में आया बच्चों, इस तरह से आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है ओके। यहाँ पर देखो वन है मैच बॉक्स मैच स्टिक ओके, वन, यहाँ पर टू है ओके, एक वन टू थ्री है, अभी इसमें क्या होगी, इस तरह से वन, फिर सेकेंड वाली इस तरह से ओके, सेकेंड, फिर थर्ड इस तरह से होगी, और एक यहाँ पर देखो तीन हो गई, अभी एक फोर्थ वाली इस तरह से होगी ओके। यहाँ पर देखो वन में स्टिक है, यहाँ पर टू हो गई, यहाँ पर वन टू थ्री हो गई, यहाँ पर मैंने वन टू थ्री फोर ड्रॉ कर दी, अभी कितनी होगी, फाइव, किस तरह से फाइव होगी, वन वन टू ये थ्री फोर एंड लास्ट वाली फाइव ओके। आपको भी इस तरह से ड्रॉ करना है फाइव। फिर चलो यहाँ पर बच्चों देखो ये आगे पैटर्न करनी, चलो यहाँ पर बच्चों देखो ये रेक्टेंगल है ओके, फिर पहले रेक्टेंगल, फिर यहाँ पर सर्कल किया है, फिर सेकंड में यहाँ पर सर्कल किया, तो अब कैसे हो गए, इस तरह से होगा ये वन सर्कल टू, फिर अभी नीचे की ओर से ओके, इस तरह से होगा, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, वन टू थ्री और इस तरह से होगा ओके। समझ में बच्चों कि किस तरह से पैटर्न को करते हैं, दिस इज अ कंप्लीट द पैटर्न ओके। फिर नेक्स्ट ये देखो बच्चों ये कंप्लीट द पैटर्न, इसको भी कंप्लीट करना है। चलो ये यहाँ पर देखो टू फोर सिक्स एट ओके, तो क्या होगा, अभी देखो आपको नहीं समझ में आए तो ऐसे करना है, टू है तो थ्री नहीं लिखा है, थ्री को छोड़ दिया है, फोर फोर तो फाइव, फाइव को छोड़ दिया है, सिक्स लिखना है, अभी सिक्स के बाद नेक्स्ट सेवन आता है तो सेवन को छोड़ देना है, एट लिखा है और नाइन को छोड़ देना है, यहाँ पर क्या होगा टेन, अभी इलेवन को छोड़ देना है, क्या होगा यहाँ पर ट्वेल्व, और थर्टी को छोड़ देना है और यहाँ क्या लिखना है फोर्टी ओके। अंडरस्टैंड बच्चों, मतलब कि ये इवन नंबर है ओके, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व और लास्ट में फोर्टीन ओके। नेक्स्ट है ट्वेंटी सेवन, चलो यहाँ पर ट्वेंटी सेवन है, टू सेवन ट्वेंटी सेवन, टू एट ट्वेंटी एट, बहुत इजी है ये तो, टू नाइन ट्वेंटी नाइन, तो अभी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन, तो फिर क्या होगा थ्री ज़ीरो थर्टी ओके, थ्री ज़ीरो थर्टी, फिर थ्री वन थर्टी वन, नेक्स्ट क्या होगा थ्री टू थर्टी टू, थ्री थ्री थर्टी थ्री ओके। समझ में बच्चों, और नेक्स्ट चलो यहाँ पर फाइव इंक्रीज करना है, मतलब कि फाइव फाइव, ट्वेंटी फाइव है ओके, फिर थर्टी है तो फाइव प्लस एट फाइव करना है ओके, प्लस फाइव करना है, ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव थर्टी, थर्टी प्लस फाइव थर्टी फाइव ओके, फिर थर्टी फाइव प्लस फाइव फोर्टी, और फोर्टी प्लस फाइव फोर्टी फाइव, और फोर्टी फाइव प्लस फाइव फाइव ज़ीरो फिफ्टी, और डबल फाइव
55। ओके समझ में बच्चों। अभी नेक्स्ट पैटर्न है, देखो यहाँ पर वन है। ओके वन, चलो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके देखो किस तरह से पैटर्न काम करती है, ये वन है। ओके फिर डायरेक्ट फोर है, तो यहाँ पर फोर में सर्कल है, तो टू को टू नंबर डिजिट छोड़ दिए है ना, टू और थ्री को छोड़ दिए, दो नंबर को छोड़ दिए। तभी हम भी ऐसे करेंगे, ऐसे पैटर्न फॉलो करेंगे, दो नंबर को छोड़ देना है, यहाँ पर सेवन। ओके फिर दो नंबर को छोड़ देना है, क्या हो जाएगा 10 यहाँ पर, तो हम कितने लिखेंगे 10। फिर 11 12 को छोड़ देना है। ओके फिर यहाँ पर कितने लिखने हैं 30। ओके फिर यहाँ पर 40 और 50, तो 30 तो हमने लिखे। ओके 40 और 50 को छोड़ देना है, यहाँ पर क्या होगा 16, समझ में। और 17 और 18 को छोड़ के क्या लिखेंगे हम 1990। ओके समझ में, ये बहुत समझना जरूरी है, सोचना है पहले। देखो यहाँ पर लिख के सोच सकते हो कि यहाँ पर 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है, 7 लिखा है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो 1 प्लस 3 1 प्लस 3 4 4 प्लस 3 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10 है ना, 10 10 प्लस 3 30। ओके 3 प्लस ऐड कर सकते हो, ओके प्लस 3 करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह भी सोच सकते हो आप। ओके दोनों मेथड से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर 50 है, 1 5 15 1 3 13 11 1 11। ओके 1 1 11, तो अभी क्या होगा देखो यहाँ पर बच्चों, लिखो आप, नहीं समझ में आया तो लिख के करना है, 1 15 उल्टा है नंबर तो उल्टा लिखो पहले, 1 5 50 1 4 14 1 3 13 1 2 12 1 1 11, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिख सकते हो आप। चलो यहाँ पर 50 है तो ये इसको सर्कल कर दिए। ओके यहाँ पर 13 तो इसको सर्कल कर दिया, 11 है तो सर्कल कर दिया। चलो तो देखो बच्चों, बीच में एक नंबर छोड़ के लिखा है ना, तो इसको छोड़ दिया है तो 30 लिखा है, 12 को छोड़ दिया तो 11 लिखा है, तो हम भी 10 को छोड़ के क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे इसमें। ओके फिर 8 को छोड़ के हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। ओके फिर 6 को छोड़ के हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। फिर 4 को छोड़ के हम क्या लिखेंगे बच्चों 3 लिखेंगे। हो गया हमारा, समझ में आया बच्चों। ओके फिर यहाँ पर देखो टमेटोज में लिखा है 10। ओके फिर यहाँ पर 30 लिखा है, ये मिसिंग है। ओके फिर ये भी मिसिंग है, यहाँ पर 50 लिखा है, ये तो बहुत इजी है, देखो देखने से मालूम बन जाता है। ओके 10 20 13 फिर नेक्स्ट 14 50 और 60, समझ में आया बच्चों। ये हमारा पैटर्न, हमारा पैटर्न चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ना। ओके कंप्लीट है ना, तो आपको क्या करना है, ये सारे पेज होमवर्क में करना है, यहाँ से लेके स्टार्ट करना है। आज जो मैंने करवाए वो ही आपको टेक्स्ट बुक में ही तो करना ही है, फिर मैथ्स की नोटबुक में भी कंप्लीट कर देना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।